पार्टी हुड्डा जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को और रोकने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। और एक तमाशा सीबीआई इस तरीके से जो हर चार महीने के बाद हुड्डा जी के साथ बनाती है, हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी की इस ओछी राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। जो आज जींद के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा था और हुड्डा जी जिस तरीके से जींद के उपचुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही घटिया राजनीति है। जो आज इस तरह की हरकत उन्होंने शायद पांचवी दफ़ा हुड्डा जी के घर पर जो ये छापेमारी हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं उन सब को गुलाम बना रखा है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई भी राजनीतिक तौर पर बात कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं या इनके नेताओं की पोल खोलने का काम करते हैं, उनके घरों पर इस तरह की छापेमारी अक्सर पूरे देश के अंदर लोग देखने लगे हुए हैं। अभी आपकी हुड्डा साहब से बातचीत हुई है? हाँ, हुड्डा साहब के साथ ही हमने यहाँ बैठ कर अपनी सारी बातें की, और हुड्डा साहब को इसलिए कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उन्होंने ना कोई ऐसा गलत काम किया है, ना ऐसे आपत्तिजनक कोई यहाँ पर दस्तावेज हैं। और ये बात सीबीआई भी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन सीबीआई आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों का खिलौना बनी हुई है और एक केज तोते की तरह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, सीबीआई के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की गलत आदेशों को जो आज मान करके और इस एजेंसी को बदनाम कर रहे हैं, जब समय आएगा तो इनका इलाज भी किया जाएगा। अच्छा, आज का वक्त कोई आपको लगता है कि चुनाव में फायदे के लिए भी रखा गया हो कि आज? क्योंकि आज एक बहुत बड़ी विशाल रैली कांग्रेस पार्टी की जींद के अंदर हुड्डा साहब ने बुलाई हुई थी, और उस आज की उस रैली से उपचुनाव का एक बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ओछापन जो आज दिखाया है, केवल उस रैली की लोकप्रियता को चुनाव का अंदर कोई कांग्रेस का फायदा ना हो उसको रोकने का ये षड्यंत्र सरेआम ये हमने यहाँ पर देखा है। हुड्डा साहब जा पाएंगे रैली में आज? वाई नॉट, निश्चित तौर पर उस रैली के अंदर जाएंगे।